पूरा सिलेबस कवर करवाने की पूरी कोशिश है और आपके जो रिक्वेस्टेड वीडियो रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल हम यहाँ पे सारा सिलेबस कवर कर लेंगे और आज जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जैसा कि आपको पता है हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है हर टॉपिक की तो ये लिटररी टर्म को अच्छे से आपको तैयार करवाने की एक कोशिश है तो आज के वीडियो में हम देखेंगे लिटररी टर्म पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं अलॉन्ग द एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो उनसे कनेक्टेड होंगे वो सारे हम देखेंगे तो यहाँ आज हम फिफ्टीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो लेट्स अ लुक ऑन अ फर्स्ट क्वेश्चन

करेक्ट आंसर इज डी हीरोइक कपलेट जनरली इज जो हीरोइक कपलेट है उसकी जो फॉर्मेशन है वो एम्बिक पेंटोमीटर में होती है और इसका अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इजीली आप इसका आंसर दे देंगे तो आप वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं द रेगुलर ओट इज क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडार वाई द आंसर इज पिंडार पिंडार बिकॉज इसको पिंडारे कोर्ट भी कहते हैं जो कि पिंडार से एसोसिएटेड है नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम करेक्ट आंसर इज इटली एंड सी इज द करेक्ट आंसर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉवल से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं और 2005 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है नोवेला, नोवेलिटी, कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं तो नॉवल का वीडियो है आप देख सकते हैं बिकॉज लिटरेरी टर्म इज वेरी इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेट्रिक मूवमेंट एंजामेंट का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर सो एंजामेंट मींस मूविंग ओवर फ्रॉम वन लाइन टू अनदर और इसको आप स्ट्राइडिंग ओवर भी कह सकते हैं सो बी इज द करेक्ट आंसर for this question next the ubi sun motif means c is the correct answer the where are formula for lamenting the past lamenting the past means पुरानी किसी बात के ऊपर जब आप दुख जो होता है उसको जो lament करते हैं console करते हैं उस पर जताते हैं रोते हैं that is called the lamentation okay so सी इज द करेक्ट आंसर टू थाउजेंड फोर में ये क्वेश्चन पूछा गया था मिथ कम फ्रॉम ग्रीक माइथॉस सिग्निफाइंग से आया है और वो बताता क्या है सी इज द करेक्ट आंसर अ स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड ठीक है किसी स्टोरी या प्लॉट को बताता है वो चाहे ट्रू हो या फिर खुद की ही कोई क्रिएशन हो या इन्वेंटेड हो राइट right? तो ये माइथॉस जो है ये सिग्निफाई करता है द टर्म फॉर द नॉवल इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस इज नोवलिटी देखिए अभी मैंने बात की थी एन ओ वी ई ई एल डबल टी ई इसमें स्पेलिंग का बहुत मेन रोल है नोवेल से भी एक क्वेश्चन और भी देखा था हमने uh, जहाँ पे पूछा गया था नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम तो इटली वाज़ द करेक्ट आंसर नोवेला इटली से लिया गया है और यूरोपियन में नोवेलिटी है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में ये आता भी है टू थाउजेंड में ये क्वेश्चन आ चुका है नाउ पैथेटिक फैलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाई पैथिक पॉलिसी को किसने इन्वेंट किया जॉन रस्किन इन एटीन फिफ्टी सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछा भी जाता है टू थाउजेंड फोर में ये भी पूछा गया था इनफॉर्मल ऐसे इज ऑल्सो नोन एज आपको पता है अच्छे से ऐसे और राइटिंग सेक्शन पे भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं लास्ट टाइम भी आए थे सो इनफॉर्मल ऐसे इसको फेमिलियर ऐसे भी बोलते हैं सो सी इज द करेक्ट आंसर द्राइज इज अवॉर्डेड बाय जो पुल्सर प्राइज है ये किसके थ्रू अवॉर्ड किया जाता है किसके थ्रू दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एपिक इज अग नरेटिव पोएम ऑन असजेक्ट ठीक है ये काफी एपिक जो होता है लॉन्ग नरेटिव पोए होती है और किसी सीरियस सब्जेक्ट पे होती है जिसमें कुछ हेरोस्ट एक्ट इज एक्ट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं और वैसे आपको डिटेल में जितने भी हमारे लिटरे टर्म्स है जो आपके सिलेबस में आने के चांसेस है एग्जाम ओरियंटेड टर्म्स है वो सारे इस चैनल पे आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी वीडियोज

शेक बाय द वि इसके ऑथर कौन है जी मैक्सुअल जी मैक्सुअल इज द राइट आंसर डी रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोजल्स द अबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ जो ये ऊपर लाइन दी हुई है वो किसका एग्जाम्पल है तो ये है आपका एग्जाम्पल पेरी फेर्सिस का ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ड्रॉज एंड थे एग्जाम्पल ऑफ पेरीफर्सिस पेरीफर्सिस और इसको सर्कम लोकेशन भी बोलते हैं ठीक है सर्कम लोकेशन भी बोलते हैं कंसिस्ट इन एक्सप्रेसिंग अ थिंग इन राउंड अबाउट वे इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग इट डायरेक्टली राइट आई एम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल ताकि uh, समझ में आ जाए जिसको इंग्लिश की जरूरत हो उनको भी और हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इसको किसी भी लैंग्वेज को गोल गोल इधर उधर घुमाने से अच्छा है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोली जाए ओके okay? तो इसीलिए इसको लोकेशन भी बोलते हैं तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए नाउ पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है द प्लॉ मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज हिस्स वेरी वे तो इसमें तो हाईलाइट भी नहीं है आप देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है एंड आई एम नॉट टेलिंग द आंसर आप इसका आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा लिटरेरी टर्म्स के वीडियो का उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी क्वेश्चन का आंसर भी और उसका एक्सप्लेनेशन भी थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द लिटरेरी टर्म सीरीज सो फ्रेंड्स आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर हिट कर दीजिएगा तो जल्दी से लाइक बटन हिट कर दीजिए और सारी इसकी सीरीज आप फॉलो करिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो सके एंड इवन इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट्स और यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन एनी ऑफ द टॉपिक देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स श्योरली आई एल पोस्ट द वीडियो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट सब्सक्राइब चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन उसके कोई भी चार्जेस नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इससे आपको जो भी नया वीडियो इस चैनल पे पोस्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा उसकी न्यूज मिल जाएगी और अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं अपनी प्रिपरेशन से तो वो वीडियो आपको नोटिफिकेशन वो याद दिला देगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है सो टिल देन बो बाय टेक केयर और भी कोई भी आपके क्वेरीज हो या फिर क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर योर प्रिपरेशन देन नंबर इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स उस नंबर पे आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप एंड इवन इफ यू वांट टू परचेज नोट्स देन सेल्फ प्रिपेयर नोट्स आर अवेलेबल हियर तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं विद द सेम नंबर तो उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं बट पहले आप अपना बेस प्रिपेयर करिए प्रिपेयर वेल देन ओनली गो फॉर एनी काइंड ऑफ नोट्स थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग